हेलो माय ब्यूटीफुल लेडीज, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत ज्यादा अच्छे, खुश और हेल्दी होंगे और सेफ होंगे घर पे। सो इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू वेस्टर्न स्टाइल साड़ी ड्रेपिंग, जो कि बहुत इजी होने वाली है। और इस स्टाइल के लिए आप कोई भी पुरानी साड़ी का यूज कर सकते हैं, बहुत ही यूनिक स्टाइल ये होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर शिवानी कश्यप को सब्सक्राइब एंड उसके बेल आइकन दबाने को बिल्कुल मत भूलिएगा, उससे मेरी सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएंगी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने यहाँ पे एक नेक पीस वेयर किया हुआ है एंड ब्लैक टॉप वेयर किया हुआ है, ब्लैक जैगिंग वेयर की हुई है और मेरे पास ये पुरानी साड़ी है, इस पर गोल्डन वर्क हुआ हुआ है। थोड़ी ही टाइम पुरानी साड़ी है मेरे पास और मैं इसको वेयर करने वाली हूँ वेस्टर्न स्टाइल में। तो यहाँ पे पल्लू वाला एरिया मैंने ले लिया है। नॉर्मली मैं उसकी प्लीट सिंपली ऐसे ही कलेक्ट करके मैं उसको पीछे से घुमाते हुए, जैसे हम पल्लू लेते हैं तो हम पल्लू का एरिया देख लेंगे, लेंथ नाप लेंगे कि आपको कितना चाहिए। उसके बाद जैसे आगे से बॉर्डर वाले एरिया को पकड़ते हुए आगे जैसे हम प्लीट्स बनाना स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एरिया ऐसे टक इन कर लेना है छोड़ते हुए। इसका मैं आपको बाद में बताऊंगी कि आपको क्या करना है। तो यहाँ पे हम प्लीट बनाना स्टार्ट करेंगे। तो प्लीट बनाने के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि आगे आपको थोड़ा सा एरिया छोड़ना है और उसके बाद आपको प्लीट बनाना स्टार्ट करना है। और जो आप प्लीट देखेंगे यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा गैप रख रही हूँ हर प्लीट के अंदर, जिससे कि जो जितनी भी प्लीट्स हैं वो अच्छे से शो हो जाएं, अच्छे से दिखें। तो आप देख सकते हैं प्लीट्स मैंने बना ली है और उसको मैं एक बार फिर से फाइन लुक देने के लिए मैं हाथ से उसको सेट कर लूँगी, पकड़ लूँगी, तो उसको जिससे हम उसको अच्छे से पिनअप कर पाएँ। तो ऊपर वाले एरिया पर जहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ वहाँ पर आपको पिनअप कर लेना है, सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लेना है एंड उसके साइड वाले एरिया को आपको पिनअप करना है। उसके लिए आप अच्छे से उसको इक्वल ही पकड़ के एंड ऊपर वाला एरिया थोड़ा एक्स्ट्रा रखना है, जिससे अंदर वाली प्लीट जो है वो कवर हो जाए साइड से। और इस तरीके से आपको यहाँ पे सेफ्टी पिन से यहाँ पे भी सिक्योर कर लेना है। उसके बाद आपको प्लीट को ये वाला एरिया छोड़ने के बाद आपको प्लीट्स को अंदर टक इन कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने अपने प्लीट्स को टक इन कर लिया है एंड उसके बाद जो है पल्लू वाले एरिया की साइड हम चलेंगे। पल्लू की अच्छे से आप प्लीट्स बना लें, कितनी आपको लेंथ चाहिए शोल्डर पे उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना है। एंड प्लीट को मैंने शोल्डर पे रख लिया है एंड आगे वाली प्लीट्स को थोड़ा हम वेस्टर्न लुक करने वाले हैं तो इसलिए सारी प्लीट को आप पकड़ लीजिए, थोड़ा सा अच्छा सा लुक जैसे आप देख पा रहे हैं इस तरीके से आपको साइड में पिनअप कर लेना है। और वेस्टर्न स्टाइल है तो बहुत ही यूनिक सा स्टाइल होना चाहिए। और उसको प्लीट्स को बनाने के बाद ये हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। बट वेट वेट वेट, आपको क्या करना है, ये जो पीछे वाला एरिया देख रहे हैं ये वियर्ड लगेगा, ऐसे बहुत ही ऑकवर्ड टाइप लगेगा, तो आपको क्या करना है दोनों साइड से सेम लूज छोड़ते हुए आपको पीछे से टक इन कर लेना है थोड़ा सा एरिया। एंड आगे से आप देख सकते हैं ये जो प्लीट मैं आपको दिखाने वाली हूँ आगे वाले को थोड़ा और छोड़ते हुए फिर से आपको वहाँ पर थोड़ा नीचे की साइड आपको सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लेना है, जिससे कि जब भी हम चलें उठें बैठें तो वो अलग अलग प्लीट ना हो तो वो इक्वली अपने साथ अटैच रहें और प्यारा सा लुक दें सामने वाले को। सो यहाँ पे मैंने पिनअप कर लिया है अपनी साड़ी को एंड आप देख सकते हैं प्यारा सा लुक। सो आई होप आपको ये मेरा वेस्टर्न स्टाइल साड़ी लुक बहुत ही पसंद आया है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरे स्टाइल वेस्टर्न स्टाइल साड़ी ड्रेपिंग अच्छा लगा है एंड प्लीज कहीं भी आप जाएं तो इसी तरीके से साड़ी यूनिक स्टाइल करके जाएं। सो सबकी नजर आप ही पे टिकी रहेगी एंड वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक कमेंट शेयर जरूर करना एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना शिवानी कश्यप को। थैंक यू, टेक केयर।